हमारा अगला टॉपिक है इफिशियंसी कैलकुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी सिस्टम की इफिशियंसी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कंफ्यूज मत हुआ करो, HWR मतलब मैं अपने लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी इक्वल टू क्या, अगर मैं इसको ईटा से रिप्रेजेंट कर दूँ तो ईटा, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू दी लोड डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। क्लियर हुआ? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द इनपुट एसी पावर। ठीक है, मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का जो थ्योरेटिकल मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। सो इफिशियंसी इज नथिंग बट इट इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द इनपुट एसी पावर। मैथमेटिकली ईटा इक्वल टू, अगर मैं आउटपुट डीसी पावर को पी नॉट डीसी से शो कर दूं और इनपुट एसी पावर को मैं पी आई एसी से रिप्रेजेंट करूं, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट डीसी डिवाइडेड बाय पी आई एसी। मतलब आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर का इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी रेक्टिफायर का इफिशियंसी का थ्योरेटिकल मीनिंग यही होता है कि वह रेक्टिफायर सर्किट इनपुट एसी पावर लेकर कितने अमाउंट में एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को ही उसका हम इफिशियंसी बोलते हैं। देखा जाए तो ये इफिशियंसी है जो रेक्टिफायर की कन्वर्जन इफिशियंसी है, कि वो पर यूनिट इनपुट एसी पावर लेकर उसके बदले में कितने अमाउंट में वो डीसी पावर दे रहा है, तो डीसी पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी ही उसकी क्या कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। तो इफिशियंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने बताया, ईटा इक्वल टू पी नॉट डीसी डिवाइडेड बाय पी आई एसी। अगेन पी नॉट डीसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम आउटपुट डीसी मतलब डीसी करेंट का स्क्वायर, और डीसी करेंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस पावर होता है, ये फार्मूला है। करेंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर होता है। तो पावर कहाँ मिलेगा हमें, आउटपुट जो है वो लोड में होता है, तो लोड में क्या लगाए थे हम, लोड रेजिस्टर लगाए थे, तो लोड रेजिस्टर का लोड रेजिस्टेंस आर है, और उस लोड में फ्लो होने वाला करेंट आउटपुट करेंट क्या है, आउटपुट करेंट तो डीसी करेंट है, इस कारण वो आईडीसी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आईएसी का स्क्वायर, इनपुट एसी करेंट एसी पावर, तो इनपुट एसी करेंट का स्क्वायर इनटू इनपुट एसी करेंट है, कहाँ से जाता है, ट्रांसफार्मर में यूज्ड, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज हुआ, डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस आरएफ, और वो कहाँ तक डिलीवर्ड होता है, वो सर्किट में लोड तक, तो लोड रेजिस्टर, क्योंकि दोनों डायोड और एक रेजिस्टर दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, वो सीरीज फॉर्म में, तो आरएफ प्लस आरएल उसका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आईएसी का स्क्वायर इनटू आरएफ प्लस आरएल, जहां पर आरएल है सर्किट में यूज्ड लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, और आरएफ डायोड का फॉरवर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस यूज्ड डायोड का फॉरवर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको क्या शो किया गया है, आरएफ शो किया गया है। क्लियर हुआ? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो
आईडीसी जो होता है, डीसी जो करंट होता है, एक्चुअल में आउटपुट लोड में फ्लो होने वाला जो आउटपुट जो डीसी करंट है उसी की एवरेज वैल्यू का इक्वल होता है। तो आईडीसी इक्वल टू आई एवरेज, और एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन में हमने करंट का क्या निकाला था, एवरेज वैल्यू आई एम बाई क्या निकाले थे अपन, पाई। हाई हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हम क्या निकाले थे, एवरेज वैल्यू का वैल्यू आई एम बाई फाई, और वोल्टेज एवरेज वैल्यू का वैल्यू वी एम बाई पाई निकाले थे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब आई ए सी बोलूँ तो उसमें इनपुट जो ए सी जो पावर है वो इनपुट ए सी करेंट के कारण होता है, तो इनपुट ए सी करेंट जो होगा वो इनपुट ए सी करेंट के आर एम एस वैल्यू का क्या होगा, इक्वल। और उसकी आर एम एस जो वैल्यू होती है हमने कैलकुलेशन किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो क्या निकला था, आई एम बाई टू निकला था। तो यहाँ से आई डी सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं, आई ए सी की वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं। तो ईटा इक्वल टू फ्रॉम, लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ईटा इक्वल टू आई डी सी, आई डी सी का स्क्वायर मतलब आई एम बाई पाई का स्क्वायर इन टू आर एल, और आई ए सी, आई ए सी का स्क्वायर मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये आई एम बाई टू का होल स्क्वायर इन टू डायोड का फॉरवर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर एल। तो टोटल पावर जो इनपुट ए सी पावर जो उसमें सप्लाई जो होगा वो उस डायोड से ही थ्रू होगा, तो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि फॉरवर्ड बायसिंग इंटरनल रेजिस्टेंस है क्योंकि फॉरवर्ड में ही आन रहता है। तो ये इसको और अच्छे से अरेंज कर देते हैं, तो आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर इन टू आर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आई एम का स्क्वायर और दो का वर्ग क्या हो जाएगा, चार इंटू क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस क्या हो जाएंगे, ये आर एल हो जाएंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये इसको ऊपर चला जाएगा, तो आई एम बाई क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, फोर डिवाइडेड बाई ये आई एम स्क्वायर नीचे रहेंगे, और इन टू क्या हो जाएगा, ये आर एल होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस आर एल, ऐसा बनेगा। इसको री मैथेमेटिक्स के रूल लगाओ और रूल लगा करके इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, तो ये कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, फोर आर एल डिवाइडेड बाई क्या मिला आपका, पाई स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस क्या मिलेगा, आर एल, और ये हो जाएगा आपका ईटा। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एग्जैक्ट इफिशेंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बट हम जानते हैं कि जब हम डायोड को यूज़ करते हैं रेक्टिफायर सर्किट में, तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जब वो ऑन होता है तो ऑन होने से वो एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब भी हम उसको रेक्टिफायर सर्किट में यूज़ करते हैं, डायोड को हम एक आइडियल डायोड की तरह कंसीडर करते हैं, और आइडियल डायोड के केस में जब भी एक आइडियल डायोड ऑन होता है एक शॉर्ट सर्किट की तरह, एक ऑन स्विच की तरह या फिर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। तो जब ऑन कंडीशन में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे तो उस सर्किट का इंटरनल जो फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस होगा डायोड का वो क्या होगा, आइडियली ज़ीरो। तो जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो ऑन होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आइडियली क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये हो जाएगा फोर आर एल, अगर आर एफ की वैल्यू को ज़ीरो रख देता हूँ तो ये हो जाएगा ये ज़ीरो प्लस क्या हो जाएगा, ये आर एल, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आर एल और ये आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, फोर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। तो ईटा इक्वल टू क्या निकल गया, फोर ईटा इक्वल टू निकल गया फोर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर निकल गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.406, ठीक है। तो 0.406 निकलेगा, या फिर परसेंटेज के टर्म में अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज के टर्म में ईटा परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 0.406
100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो 40.6%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है, 40.6% होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह रेक्टिफायर सर्किट अगर वो 100 वाट का पावर इनपुट में लेता है तो 100 वाट के पावर जो है उसको मैक्सिमम वो 40.6 वाट के वो डीसी पावर में कन्वर्ट कर पाता है, और रिमेनिंग जो पावर है वो क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका इफिशेंसी 50% भी नहीं है, ये बहुत कम अमाउंट में इनपुट एसी पावर को लेकर आउटपुट डीसी पावर देता है। तो इसकी कन्वर्जन जो इफिशेंसी होता है, रेक्टिफिकेशन इफिशेंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये ईटा जो परसेंटेज जो लिखे हैं वो ईटा क्या है, मैक्सिमम इफिशेंसी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना परसेंट निकल रहा है, 40.6%। तो वो ओनली 40.6% ही होता है। कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये इनपुट एसी पावर के ओनली 40.6% को ही, 40.6% को ही ये आउटपुट डीसी पावर में कन्वर्ट कर पाता है, और रिमेनिंग जो पावर है वो क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये था एफिशिएंसी कैलकुलेशन। इसके पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, कि डायोड को हम आइडियल कंसीडर करते हैं तो उसका इंटरनल फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही नहीं के समान होता है, नेग्लिजिबल होता है, जीरो के बराबर होता है। तो आरएफ की वैल्यू को मैंने जीरो किया, आरएफ की वैल्यू को इस इक्वेशन में जीरो पुट कर दोगे, इक्वेशन में जब जीरो पुट कर देंगे तो आरएफ, ये आरएल और आरएल आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 4/π² हो जाएंगे। 4/π² को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलता है, 40.80, इसको क्या मिलता है, 0.406 मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करके अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 40.6%। तो रेक्टिफायर की इफिशेंसी का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इफिशेंसी इज नथिंग बट इट इज़ आर एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट एसी पावर इनटू इक्विवेलेंट डीसी पावर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही है। मैथमेटिकली हम इफिशेंसी को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। क्लियर हुआ? तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशेंसी कैलकुलेशन। क्लियर हुआ? ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशेंसी के बाद हम सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशेंसी देखेंगे। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू दी लोड डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। ठीक है, तो पी नॉट डीसी आउटपुट डीसी पावर है, पी आई एसी इनपुट एसी पावर है, पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट का स्क्वायर इनटू क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि आउटपुट पावर हमें लोड में मिल रहा है, इसका नाम लोड रेजिस्टेंस। तो उसमें फ्लो होने वाले आउटपुट डीसी करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस आउटपुट डीसी पावर हो जाएंगे। वैसे क्या हो जाएगा, इनपुट एसी पावर क्या हो जाएगा, इनपुट एसी करंट का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इनटू आरएल प्लस आरएफ, ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आरएल है वो लोड का रेजिस्टेंस है, और आर एफ उसमें यूज्ड डायोड का इंटरनल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आई डी सी का मतलब, डी सी करेंट मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट, तो आई डी सी इक्वल टू आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर एल, ये सेम रहेगा, आई डी सी इक्वल टू आई एवरेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर हो, उसकी एवरेज जो वैल्यू होती है करेंट की वो 2 IM/π होता है, हाफ वेयर के रिस्पेक्ट में जस्ट 2 times होता है। तो I एवरेज इक्वल टू 2 IM/π होता है, कैलकुलेशन बताया हूँ मैं, वैसे IRMS इक्वल टू होता है IM/√2। यहाँ से I एवरेज और IRMS की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता है, तो ये 2 IM/π का होल स्क्वायर इंटू RL हुआ, डिवाइडेड बाई IM/√2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर इसको रीअरेंज कर दिया, स्क्वायर को हटा दिया, तो 4 IM² / π² इंटू RL, फिर
होल डिवाइडेड बाय आई एम का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर एल प्लस आर एफ हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन को फिर रीअरेंज किया, ये डिनोमिनेटर पोर्शन है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर का है वो डिनोमिनेटर में जाए, तो 4 IM² इंटू आर एल बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2 क्या हो जाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो 2 और डिवाइडेड बाई ये IM² इंटू आर एल प्लस आर एफ हो जाएगा। ये IM² और IM² कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा उसको गुना कर दो यहाँ पर, तो 4 × 2 इक्वल टू 8 आर एल डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल प्लस क्या होगा आर एफ। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब भी डायोड है उसको हम रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, उसको हम एक आइडियल डायोड की तरह ट्रीट करते हैं, दैट मीन्स जब भी वो डायोड है फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आएगा, डायोड का इंटरनल फॉरवर्ड बायसिंग जो रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे जीरो होंगे, तो आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो आर एफ की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे हम जीरो पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर पुट कर दी है, तो 8 RL डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू आर एल प्लस जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो 8 RL डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू आर एल कैंसिल होगा, तो 8 बाई पाई स्क्वायर बचेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 0.812 मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में करोगे तो इधर परसेंट लग जाएगा, इधर 100 का मल्टीप्लाई होंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 81.2% मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेक्टिफायर जो सर्किट होता है वो इनपुट एसी पावर का सिर्फ 81.2% को ही आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है लॉसेस हो जाता है। तो ये था सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन। चाहते हैं तो आप सेम प्रोसीजर को यूज़ करके ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का भी कर सकते हो, सेम आपका परसेंटेज जो है वो यहाँ पर 81.2 ही परसेंट आएगा। ब्रिज टाइप की कैलकुलेशन में डिफरेंस यही बात का है कि जहाँ पर आप रेजिस्टेंस आर एफ लेते हो, तो आप सभी को पता है कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में एट ए टाइम 2 डायोड कंडक्ट होते हैं, तो 2 डायोड का फॉरवर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 RF हो जाएंगे प्लस RL हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट एसी पावर जो सप्लाई होगा उसमें आप कैलकुलेशन जब करोगे तो IRMS का स्क्वायर इंटू 2 RF, क्योंकि एट ए टाइम 2 डायोड कंडक्ट होता है, तो दोनों डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं एक एक को RF मान लूँ तो 2 RF हो जाएगा, और लोड का क्या हो जाएंगे RL। तो जहाँ पर सिर्फ RF प्लस RL करते हैं वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 2 RF करना पड़ेगा, फिर लास्ट टाइम इसको आइडियल कंसीडर करके इसको क्या कर दोगे जीरो पुट कर दो, तो जीरो पुट करोगे तो लास्ट टाइम आपको सेम ही मिलेगा। तो आप इसको देख करके आप ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशेंसी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इफिशेंसी का मतलब है रेक्टिफिकेशन इफिशेंसी, मतलब वो इनपुट एसी पावर लेकर उस इनपुट एसी पावर के कितने भाग को वो आउटपुट डीसी पावर में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसी को हम उस रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन इफिशेंसी कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन इफिशेंसी 81.2% होता है, मतलब अगर वो 100 वाट का एसी पावर लेगा तो उसको मैक्सिमम 81.2 वाट को ही आउटपुट डीसी पावर में करेंगे कन्वर्ट, बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन जो रहेगा वो लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का आप देख सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6% इफिशेंसी मिल रहा था मैक्सिमम इफिशेंसी, अगर इस 40.6% को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो 81.2 प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशेंसी है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में क्या होता है जस्ट 2 times होता है। तो 40.6 हाफ वेव का है, उसके अगर 2 गुना प्राप्त करोगे तो 81.2%, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशेंसी जो होती है वो हाफ वेव की रेक्टिफायर के रिस्पेक्ट में जस्ट 2 times होता है, दैट मीन्स 81.2% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, 2 बार 4 बार जितना भी हो, कहीं पर अगर कुछ डाउट होता है
कॉल मैसेज कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, एक दूसरे की हेल्प करो। ये आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की तैयारी पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, तो इतना तो कर सकते हो। ओके थैंक यू। तो ये था आपका एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ सेंटर टाइप द फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये 81.2% ही आएगा। डिफरेंस क्या करना है, इनपुट एसी पावर में खाली ये बस रखना है, ये बस IRMS केस करेंट टू 2RA + RL, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। क्योंकि दो डायोड एट ए टाइम, सेंटर टाइप में सिर्फ एक डायोड एट ए टाइम कंडक्ट होता है, लेकिन ब्रिज टाइप में दो डायोड एट ए टाइम कंडक्ट होता है, तो दोनों डायोड का इंटरनल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, काउंट होंगे। बाकी लास्ट में जब RF को नेगलेक्ट करोगे तो दोनों डायोड का RF नेगलेक्ट होगा, तो लास्ट में आपको 8/π² ही बचेंगे, जिसका मतलब 0.812 होता है और परसेंटेज के फॉर्म में 81.2% होता है, ठीक है। Thank you very much.